एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज मीडिया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट अर्निका एंड कैलेंडुला इन इंजरी। इट कम्स फॉर अ 10 मार्क्स इन एग्जाम। बिफोर कमिंग टू द टॉपिक, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज मीडिया, डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कॉमन नेम ऑफ अर्निका इज अ लेपर्स बेन and common name of calendula is marigold. Second point, family, both are belong to same family Composite. Third point is sphere of action. Arnica acts on the blood and blood vessels, particularly on capillaries, and calendula acts on muscles, tendons, nerves, scalp and skin. यानी कि अर्निका जो मेडिसिन है ब्लड और ब्लड वेसल्स पर एक्ट करती है और पर्टिकुलरली कैपिलरीज पर एक्ट करती है, और जो कैलेंडुला है वो नर्व्स, मसल्स, टेंडन और स्किन पर एक्ट करती है। फोर्थ पॉइंट है पैथोजेनेसिस। अर्निका प्रोड्यूसेस हिमोरेज कैपिलरी स्टैसिस इकाइमोसिस ऑन मसल्स एंड टेंडन्स। इट प्रोड्यूसेस द कंडीशन सिमिलर टू दोज रिजल्टिंग फ्रॉम ब्लंट इंजुरीज। calendula on the muscles, tendons and bones produces the condition similar to lacerated injury. यानी कि जो अर्निका मेडिसिन है वो मसल्स और टेंडन्स पर कंडीशन क्रिएट करती है सिमिलर टू ब्लंट इंजुरी। ब्लंट इंजुरी की जैसी कंडीशन क्रिएट करती है मसल्स और टेंडन्स पर, और जो calendula मेडिसिन है वो मसल्स और टेंडन्स पर लैसरेटेड इंजुरी की तरह कंडीशन क्रिएट करती है। ये डिफरेंस है दोनों में, पैथोजेनेसिस में। फिफ्थ पॉइंट है इंजुरी। इट इज सुटेड टू केसेस व्हेन एनी इंजुरी हाउ एवर रिमोट सीम्स टू हैव कॉज प्रेजेंट ट्रबल। यानी कि अर्निका किस केसेस के लिए सूट करती है, जो भी केसेस होते हैं उनमें अगर कोई भी पार्ट को इंजुरी हुई है तो उसका इफेक्ट दूसरे ऑर्गन पर या दूसरे पार्ट पर हो रहा है, इस तरह से जो भी इंजुरीज होती है उसमें अर्निका सूट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रेन इंजुरी या हेड इंजुरी हो रही है, ब्रेन हिमोरेज हो गया है पेशेंट को, तो उसकी वजह से जो भी पैरालिसिस हो रहा है, पैरालिटिक कंडीशन क्रिएट हो रही है, पैरालिसिस हो रहा है, ऐसी जो कंडीशन है उसमें अर्निका सुटेड करती है। या कोई भी इंजुरी हुई है लेग्स को, आर्म्स को, उसकी वजह से जो रूमेटिक पेन होता है तो ऐसी कंडीशन में अर्निका सूट करती है। सेकेंड है कैलेंडुला, यूजफुल फॉर द ओपन वाउंड्स पार्ट दैट विल नॉट हील एंड अल्सर्स एक्सेट्रा। कैलेंडुला जो मेडिसिन है वो ओपन वाउंड्स में यूजफुल होती है। जो भी लैसरेटेड टाइप के वाउंड होते हैं, ओपन टाइप के वाउंड होते हैं, उसमें कैलेंडुला यूजफुल होती है। और जो भी पार्ट्स हील नहीं हो रहे रैपिडली, उसके लिए, रैपिड हीलिंग के लिए कैलेंडुला बेस्ट मेडिसिन होती है। सिक्स्थ पॉइंट है कॉजेशन, यानी कि इंजुरी के कॉजेस। अर्निका रिजल्ट्स फ्रॉम ब्लो, फॉल, कॉन्ट्यूजन, ट्रोमेटिक एंड मैकेनिकल इंजुरीज, इंजुरीज फ्रॉम ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि जो भी इंजुरीज होती है ब्लो की वजह से, फॉल गिरने की वजह से, कॉन्ट्यूजन, कॉन्ट्यूजन का मतलब होता है जब भी इंजुरी होती है तब स्किन का जो सरफेस होता है वो इंटैक्ट रहता है, बट अंदर के जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाते हैं और टिश्यूज के अंदर ब्लड कलेक्ट होता है। ट्रोमेटिक एंड मैकेनिकल इंजुरीज, ट्रोमेटिक मतलब ट्रोमा की वजह से जो भी इंजुरीज होती है, यानी कि किडनी की वजह से कुछ लग जाने पर, इस तरह की। और मैकेनिकल इंजुरीज का मतलब होता है जो भी इंस्ट्रूमेंट की वजह से इंजुरीज होती है उसे कहते हैं मैकेनिकल इंजुरीज। इंजुरीज फ्रॉम ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो ब्लंट होता है, उसके एंड जो होते हैं ब्लंट होते हैं, शार्प नहीं होते, पॉइंटेड नहीं होते, पूरी तरह से ब्लंट होते हैं। एग्जाम्पल, लकड़ी हो गया, स्टोन हो गया, या किक की वजह से जो भी इंजुरीज होती है उस टाइप की इंजुरीज इसमें आ जाती है। अब देखते हैं कैलेंडुला की इंजुरीज कॉजेशन। क्लीन कट इंजुरी, क्लीन कट इंजुरी का मतलब होता है जो भी इंजुरी होती है उसमें क्लीन कट होता है, यानी कि जो भी ब्लेड हो गया या नाइफ हो गया या कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट से जब क्लीन कट होता है उसे कहते हैं क्लीन कट इंजुरी। सर्जिकल ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन में जो कट्स लगते हैं वो भी क्लीन कट होते हैं, इस टाइप के इंजुरीज जो होते हैं कैलेंडुला में आ जाते हैं। लैसरेटेड वुंड, लैसरेटेड वुंड का मतलब होता है जो भी वुंड्स होते हैं वो
टॉर्न और जैग होते हैं, यानी कि इरेगुलर सरफेस होता है, कट सरफेस बहुत ज्यादा इरेगुलर होता है और वो स्टिचेस के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है, इरेगुलर कट सरफेस होता है। जो भी एक्सीडेंट्स में वुंड्स होते हैं वो इस टाइप में आ जाते हैं। सप्यूरेटिव वुंड्स, सप्यूरेटिव वुंड्स का मतलब होता है जो भी वुंड्स में पस कलेक्ट होता है और जो वुंड्स सप्यूरेट हो जाते हैं यानी कि पस उसमें कलेक्ट हो जाता है उसे कहते हैं सप्यूरेटिव वुंड। फ्रैक्चर ऑफ बोन, एम्प्यूटेशन, एम्प्यूटेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ पार्ट। एम्प्यूटेशन, एम्प्यूटेशन का मतलब होता है बॉडी से पार्ट अलग हो जाना, रिमूवल हो जाना पार्ट का। टू टाइप्स के एम्प्यूटेशन होते हैं, एक होता है सर्जिकल एम्प्यूटेशन और दूसरा होता है ट्रॉमेटिक एम्प्यूटेशन। ट्रॉमेटिक एम्प्यूटेशन मतलब जो भी एक्सीडेंट्स में पार्ट्स बॉडी से अलग हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल हाथ अलग हो जाना, पैर अलग हो जाना, इस टाइप का। दूसरा होता है सर्जिकल, उसमें फॉर एग्जांपल जब गैंग्रीनस कंडीशंस होते हैं तो गैंग्रीनस पार्ट्स बॉडी से रिमूव करना पड़ता है, तो उसे कहते हैं सर्जिकल एम्प्यूटेशन। ड्यूरिंग द लेबर, लेबर की ड्यूरिंग जो भी इंजुरीज हो जाती है उसमें कैलेंडुला इफेक्टिव होती है। सेवेंथ पॉइंट है सेंसेशन। अर्निका, सोर लेम ब्रूइस फीलिंग ऑल ओवर द अफेक्टेड पार्ट, पार्ट इज वेरी मच पेनफुल एंड सेंसिटिव टू द टच। जो अर्निका पेशेंट होते हैं उनमें बहुत ज्यादा सोर लेम यानी कि जो भी पार्ट में इंजुरी हुई है यानी कि लेग्स में हुई है तो चल नहीं पाते ठीक से, डिफिकल्टी होती है चलने में, ब्रूइस फीलिंग होती है, घाव लगने पर जैसी फीलिंग होती है वैसी ब्रूइस फीलिंग होती है ऑल ओवर द अफेक्टेड पार्ट, यानी कि अफेक्टेड पार्ट में ये वाली फीलिंग होती है। पार्ट इज वेरी मच पेनफुल एंड सेंसिटिव टू टच, जो भी पार्ट को लगा है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है और बहुत ज्यादा पेनफुल भी होता है। अब देखते हैं कैलेंडुला, एक्सेसिव पेन आउट ऑफ द ऑल प्रोपोर्शन टू द इंजुरी ड्यू टू द प्रोबेबल नर्व इन्वॉल्वमेंट। नर्व इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो पार्ट में इंजुरी हुई है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है और बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है, उनका पेन आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन यानी कि बहुत ज्यादा बर्दाश्त के बाहर होता है, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं। एट पॉइंट अर्निका, अफेक्टेड पार्ट बिकम्स अ ब्लू एंड ब्लैक विद एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ ब्लड, यानी कि जिस भी पार्ट को इंजुरी हुई है, जो भी पार्ट इंजर्ड हुआ है वो ब्लू और ब्लैक हो जाता है क्योंकि उसमें एक्स्ट्रावेजेशन हो जाता है। मैंने पहले बताया जो भी पार्ट को इंजुरी हुई है उसका सरफेस एरिया तो इंटैक्ट होता है, स्किन इंटैक्ट होती है, बट स्किन के अंदर के ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाते हैं और उसकी वजह से टिश्यूज में ब्लड कलेक्ट होता है, तो जो भी अफेक्टेड पार्ट है वो ब्लू और ब्लैक हो जाता है। कैलेंडुला, अफेक्टेड पार्ट बिकम्स अ रेड सॉलन इंफ्लाम विथ अ ब्लीडिंग फ्रॉम द पार्ट्स, यानी कि कैलेंडुला में ओपन वुंड्स होते हैं उसकी वजह से अफेक्टेड पार्ट्स में से ब्लीडिंग होता है, उसकी वजह से इंफ्लामेशन रिएक्शन भी आ जाती है और पार्ट कैसा हो जाता है रेड सॉलन इंफ्लाम और ब्लीडिंग हो जाती है। नाइन्थ पॉइंट है अग्निका, यूज इन अ कॉन्ट्यूजन एंड कॉन्क्यूजन विदाउट लैसरेशन ऑफ द सॉफ्ट पार्ट विथ एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ ब्लड। अर्निका किस चीज में यूजफुल होती है? कॉन्ट्यूजन, कॉन्ट्यूजन का मतलब मैंने पहले एक्सप्लेन कर लिया है, जैसे कि स्किन सरफेस इंटैक्ट होता है और अंदर के ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाते हैं और टिश्यूज में ब्लड कलेक्ट होता है उसे कहते हैं कॉन्ट्यूजन। और कॉन्क्यूजन का मतलब होता है जो भी ब्रेन इंजुरी होती है ब्लो की वजह से उसे कहते हैं कॉन्क्यूजन विदाउट द लैसरेशन ऑफ द सॉफ्ट पार्ट्स, यानी कि इसमें सॉफ्ट पार्ट का लैसरेशन होता नहीं, ओपन वुंड्स नहीं होते इसमें, ओनली जो ब्लंट इंजुरीज है वही होती है, ब्रूइजेस वही होते हैं विद एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ द ब्लड, यानी कि ब्लड टिश्यूज के अंदर कलेक्ट होता है और पार्ट कैसे दिखाई देता है ब्लूइश ब्लैक। अब कैलेंडुला का देख लेते हैं, कैलेंडुला यूज इन एक्सटर्नल वुंड्स विद और विदाउट लॉस ऑफ सब्सटेंस टॉर्न एंड जैग लुकिंग वुंड्स, यानी कि जो भी एक्सटर्नल वुंड्स होते हैं ओपन वुंड्स होते हैं उसमें जो कट सरफेस है वो पूरी तरह से फटा हुआ होता है, स्किन की इंटीग्रिटी कंटिन्यूअस नहीं होती, स्किन पूरी तरह से फटी हुई होती है और उसमें से ब्लीडिंग होता है। इस तरह के टॉर्न और जैग लुकिंग मतलब इरेगुलर लुकिंग जो वुंड्स होते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया उसमें जिस टाइप के वुंड होते हैं उस टाइप के वुंड में कैलेंडुला यूजफुल होती है। बाकी बचे हुए डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी।